और एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट को मिली मंजूरी, शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी सरकार। 2029 में हो सकता है देश में एक साथ चुनाव। इक्कीस सितंबर को शपथ लेंगी आतिशी। जम्मू के 8, एक तरीके से कहें कि आज जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, कश्मीर में 16 सीटों पर, जबकि जम्मू की 8 सीटों पर मतदान जारी है। लोग भी बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं हिस्सा। और इधर 219 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला होगा। 7 जिलों की 24 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इनमें 90 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल। चुनाव आयोग ने स्थापित किए 3,276 मतदान केंद्र, 14,000 मतदान कर्मचारी कर रहे हैं चुनावों की देखरेख। कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे हैं चुनाव, सुरक्षा में पुख्ता इंतजाम। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार वोटिंग। जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्रत्याशी शगुन से बदसलूकी का मामला, किश्तवाड़ के एसएसपी को ईसी भेजेगी रिपोर्ट। बीजेपी ने फिरदौस पर की कार्रवाई की मांग। उन्होंने नशा किया हुआ था और मेरे सामने ने कहा आपके मुंह से स्मेल आ रही है, प्लीज पीछे हटिए। और यहाँ से पुलिस वाले जब उनको यहाँ पे जो सरदार सर थे उन्होंने उनको हटाने की कोशिश की, उन्होंने बदतमीजी की। और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन खजूरिया को किया निलंबित, निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से पार्टी ने की कार्रवाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद का किया दौरा, 10,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, साथ ही युवाओं को दिए टैबलेट और स्मार्टफोन। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधा, कहा समाजवादी सरकार में अराजकता फैली हुई थी, साथ ही बोले सपा काल में चरम पर थी गुंडागर्दी। अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, ये माफिया और अपराधियों के सामने दुर्दांत, तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे। सपा पर निशाना साधते हुए आगे बोले सीएम योगी, कहा कैराना से हिंदुओं का पलायन करना पड़ा उनको, औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस गई। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा किस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्य को माफिया कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर तनाव के बीच शांति तरीके से जुलूस निकलने पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम का धन्यवाद किया, साथ ही अखिलेश यादव को आईना दिखाया। इस्तीफे के बाद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल, कल सीएम पद से दिया था इस्तीफा। केजरीवाल को लेकर बोले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, कहा जनता बताएगी केजरीवाल की ईमानदारी, अब लोगों के बीच रहेंगे केजरीवाल। दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी कि उन्होंने पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा की है। केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर के चिंतित हुए संजय सिंह, कहा केजरीवाल पर कई बार हो चुके हैं हमले। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, कई बार आप पे हमला हो चुका है, मां बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है। अरेवाड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव का परतंज, कहा आम आदमी पार्टी जमानत जब्त पार्टी, हरियाणा में आपका नहीं कोई जनाधार। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लालू परिवार पर बोला हमला, कहा इन भ्रष्टाचारियों ने गरीबों के साथ किया अन्याय, ऐसे पापी लोगों को कानून जरूर देगा सजा। लालू जी का नौकरी के नाम पर जमीन लिए हैं, यह सर्वविदित है, और जो जैसा करेगा कानून तो उसके हिसाब से उसके पास पहुंचेगी। अदर बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ही भगवान राम के अस्तित्व को काल्पनिक कहती है, कांग्रेस को धर्म विशेष से परेशानी होती है। क्या प्रभु राम जी के अस्तित्व को खत्म कर देते हैं, कहते हैं ऐसा है ही नहीं, काल्पनिक है, और फिर आप इस तरह से गणपति जी को जेल में डाल दें। लार्जर कम्युनिटी का शोषण कर रहे हैं और उनके धर्म के ऊपर बहुत बड़ी चोट पहुंचाने का काम। बिहार यूथ कांग्रेस ने पोस्ट किया वीडियो, कहा बिहार में कानून व्यवस्था बदहाल, भोजपुरी गायक टुनटुन यादव पर हुई फायरिंग का वीडियो पोस्ट कर साधा निशाना।
और महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव की खबर, करीब आधे घंटे तक पत्थरबाजी चली, फिलहाल काबू में हालात। महाराष्ट्र की भिवंडी में भी गणपति विसर्जन के दौरान पथराव, मूर्ति खंडित होने के बाद भीड़ का हंगामा, पुलिस ने बरसाई लाठियां। पथराव की खबर मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंची, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पथराव के दौरान कई लोगों के घायल होने की भी खबर, मूर्ति खंडित होने पर लोगों ने किया था हंगामा। भिवंडी में हुए पथराव पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा जहां जहां मुसलमान की आबादी ज्यादा वहां पथराव। गैंग बोट के खातिर भारत की अस्मिता को खतरे में डाल रहे हैं, ये इनकी जुबान बंद हो रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में पंडाल में मिले पशु के अवशेष, सीसीटीवी फुटेज से खंगाले जा रहे हैं आरोपी, अलर्ट मोड पर पुलिस। गणेश पंडाल में लगातार हो रहे बवाल को लेकर बोले बीजेपी नेता खिरोड़ी लाल मीणा, कहा देश में हो रही माहौल खराब करने की कोशिश, ये सोची समझी राजनीति और साजिश। लेकिन जगह जगह जिनको अल्पसंख्यक कहा जाता है, वो गणेश पंडालों पर हमला करके पवित्रता को समाप्त करने में लगे हुए हैं। इसमें कोई न कोई बड़ा षड्यंत्र है देश में, जिससे देश में उन्माद फैले, सांप्रदायिक तनाव हो और शांति भंग हो। यूपी में उपचुनाव से पहले बीएसपी की बड़ी बैठक, कल लखनऊ पार्टी कार्यालय में बुलाई गई मीटिंग, उपचुनाव वाली 10 सीटों पर बनाई जाएगी रणनीति। एमपी के भोपाल में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान देखने के बाद भड़के बच्ची के पेरेंट्स, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। मासूम बच्ची के साथ दुराचार पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कहा प्रदेश में लगातार बढ़ रहे दुष्कर्म के मामले, सोई हुई है गृह मंत्रालय और प्रदेश की सरकार। प्रदेश की सरकार और गृह मंत्रालय सोया हुआ है, बद से बदतर स्थिति हो गई। भारतीय सेना की ड्रोन प्रदर्शनी का दूसरा दिन, हिम ड्रोन एथॉन 2 का मकसद अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक वाले ड्रोन के जरिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों तक पहुंचना है और सामरिक श्रेष्ठता को बढ़ाना। आगरा में ताजमहल की इमारत में लगा पौधा, कर्मचारियों पर लापरवाही का भी आरोप लगा है, ताजमहल के गुंबद में पौधा उगने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। कोलकाता में आर्जिकर हत्याकांड को लेकर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी, अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं विरोध और थ्रेट कल्चर को खत्म करने पर अड़े। मध्य प्रदेश नीमच में ग्रामीण बैंक दिन दहाड़े वहां पर लूटपाट का मामला सामने आया है, बदमाशों ने चोरी को अंजाम दिया, घटना में 2 बैंक कर्मचारियों को गोली लगने के बाद उनका इलाज जारी। बिहार के मोतिहारी में हथियार के दम पर शोरूम में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, दुकानदार से 2 लाख की लूट को अंजाम दिया, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। इंदौर में अनंत चतुर्दशी के समारोह में झांकी मार्ग पर मारपीट, 2 गुटों में आपस में झड़प हो गई, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के राजगढ़ में बेटे के सामने पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बाइक सवार बदमाशों ने करीब से सिर पर गोली मारी, पिछले साल भी आपसी रंजिश की वजह से हमला हुआ था। यूपी के सहारनपुर में खेत की बाढ़ में फंसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया, घायल तेंदुए का इलाज जारी। बागपत में दिव्यांग पर पिटबुल कुत्ते से करवाया गया हमला, दिव्यांग युवक को गणेश पंडाल में बुलाकर दबंगों ने पिटबुल से हमला करवाया, हमले में बुरी तरह से घायल हो गया युवक। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चाकू गोदकर युवक की बेरहमी से हत्या, गणेश प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहा था युवक, विसर्जन के दौरान मृतक का आरोपियों से हुआ था विवाद, 3 लोगों पर हत्या का आरोप। यूपी के रायबरेली में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद, युवक का अपहरण कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, आरोपी युवक ने पीड़ित से जूते भी पड़वाए। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने की कार्रवाई, नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने वाले युवक को किया गिरफ्तार, एक ही गांव के रहने वाले थे युवक और युवती। यूपी के झांसी में 2 पक्ष में विवाद हो गया, मौके पर फायरिंग भी हुई, बीच बचाव करने आई महिला पूर्व प्रधान के हाथ में गोली लग गई, पूरे मामले की जांच जारी। महाराष्ट्र के अमरनाथ में हादसा, डंपर ने बाइक सवार को उड़ाया, घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के मैनपुरी में हत्या मामले में हुई सुनवाई, दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, 12 साल पहले दंपति की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। यूपी के गोरखपुर में घर में घुसकर चोरी कर वारदात को अंजाम दिया गया, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, छत के रास्ते घुसा था चोर। यूपी के मुजफ्फरनगर में लव जिहाद मामले में पुलिस का एक्शन, महिला का शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप। पुणे के फिनिक्स मॉल में फायरिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया, एक शख्स ने चलाई गोली, हिरासत में लिया गया आरोपी, पुलिस कर रही है पूछताछ।
दिल्ली के करोल बाग में बड़ा हादसा, बापा नगर में गिरी 3 मंजिला इमारत, मलबे में दबने से 1 की मौत, 1 घायल। घटनास्थल पर मलबे से निकाले गए 12 लोग, घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। मलबे से अब तक 9 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, इलाज जारी। हिमाचल के हमीरपुर में खाई में गिरा सड़क किनारे खड़ा ट्रक, ट्रक ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान।